नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पूजा भाटिया और आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉन्स के लिए अगस्त का महीना कैसे जाने वाला है। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन बहुत टाइम से बहुत परेशान चल रहे हैं। मकर राशि वाले शनि की साढ़े साथी चल रही है और अब तो शनि महाराज भी बकरी हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं साढ़े साथी का इफेक्ट इनकी मेंटल हेल्थ पे, इनकी फिजिकल हेल्थ पे, इनके फाइनेंसिस पे बड़ा ही ज़बरदस्त पड़ रहा है। लेकिन अगस्त का महीना आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, चलिए फटाफट देखते हैं। करियर के कार्ड्स क्या कहते हैं, आपके लव एंड रिलेशनशिप कैसे रहेंगे मकर राशि वाले, आपके फाइनेंसिस क्या कहते हैं और ओवरऑल आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं करियर से, करियर के कार्ड्स कैसे रहेंगे। तो करियर में तो देखिए यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, अगेन चैलेंजेस का कार्ड आया है। आपके चैलेंजेस अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं कैप्रिकॉन्स, तो डेफिनेटली आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी अगस्त के महीने में, लेकिन जो मेहनत आप अभी कर रहे हैं उसका आगे जाके बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अपनी हिम्मत मत हारिए, पॉजिटिव तरीके से अपने चाहे वो बिजनेस है चाहे वो जॉब है उसमें लगे रहिए, आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप जॉब में हैं तो अपने बॉस से बना के रखिए, क्योंकि यहाँ बॉस के साथ मुझे खटपट नज़र आ रही है। और अगर आप बिजनेस में हैं तो अपने सीनियर से या अपने पार्टनर से बना के रखिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से ईगो प्रॉब्लम की वजह से आपका करियर में इम्पैक्ट मुझे नज़र आ रहा है। ओवरऑल आपको हिम्मत नहीं हारनी है, पेशेंस रखना है और लगातार मेहनत करते रहना है। चलिए अब मकर राशि वालों के लिए देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप में क्या कहते हैं। लव एंड रिलेशनशिप में बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं मकर राशि वाले। आपके लिए सन का कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि इमोशनली बहुत ही अच्छा महीना रहने वाला है। अगर आप अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो ये महीना बहुत शुभ है, फैमिली प्लानिंग भी होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं, आप शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो ये महीना बहुत शुभ है, आपकी शादी के लिए रिश्ता भी पक्का होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इमोशनली बैलेंस करके रखिए अपने आप को, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है मकर राशि वाले, क्योंकि ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस की वजह से कहीं ना कहीं आपका वर्क लाइफ बैलेंस हिल जाता है। इस चीज़ को मेंटेन करके रखिए तो लव एंड रिलेशनशिप भी बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए फाइनेंसिस क्या कहते हैं। फाइनेंसिस में भी बहुत बढ़िया एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कुछ नया फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, कहीं ना कहीं कोई नई शुरुआत होने वाली है, नए बिजनेस की, नई जॉब की, जो आपके फाइनेंसिस को आगे और कैश फ्लो को जनरेट करेगी। फाइनेंशियल तरक्की और ग्रोथ दिख रही है अगस्त के महीने में, बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। साथ ही पेज ऑफ कप्स का भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जो ये दिखाता है कि जो भी फाइनेंसिस आप इन्वेस्ट करेंगे सोच समझ के कीजिए, अच्छे से एनालाइज करके कीजिए, डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव रहेगा फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी मुझे अगस्त के महीने में दिख रही है। चलिए अब मकर राशि वालों के लिए टैरो कार्ड्स हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं। तो देखिए हेल्थ के भी बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, कुछ नेगेटिव नहीं है। हाँ, जो भी आपके बॉडी पार्ट्स पेयर्स में आते हैं, जैसे आईज, ईयर्स, हैंड्स, फीट, इनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें अगर आपकी आईज में प्रॉब्लम आ रही है या फिर ईयर्स में कोई इशू आ रहा है तो आपको मेडिकल एडवाइस लेनी है, उसको इग्नोर नहीं करना है और वॉक अपना रेगुलर मेंटेन करके रखिए, आपकी हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओवरऑल कार्ड्स हेल्थ के भी बहुत पॉजिटिव है मकर राशि वालों के लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि टैरो गाइडेंस क्या कहती है कैप्रिकॉन्स के लिए। देखिए फिर अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, जो ये दिखाता है बी स्ट्रॉन्ग। मकर राशि वाले, आपकी साढ़े साथी चल रही है तो अभी सिचुएशन अभी भी थोड़ी सी टाइट है, थोड़ी सी चैलेंजेस अभी भी दिख रहे हैं, तो यहाँ पे टैरो गाइडेंस भी आपको स्ट्रांग रहने के लिए कह रही है और यही कह रही है कि जो मेहनत आप अभी कर रहे हैं ना, उसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको आगे आने वाले महीने में डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि शनि देव की जो राशि है रिजल्ट्स धीरे 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 ही देती है और बहुत मेहनत के बाद ही देती है, तो मेहनत आपको करनी नहीं छोड़नी है। तो ये था मकर राशि वालों के लिए ओवरऑल अगस्त का टैरोस्कोप। तो अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी है, जॉब रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड नेगेटिव एनर्जी है, या फिर आपका फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन ट्रैवल रुका हुआ है या अटका हुआ है, तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर मेरे से कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। आगे की राशियों के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।